टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के चाहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि बिग बॉस 14 के टेलीकास्ट का अब फाइनल डेट रिवील हो चुका है। 3 अक्टूबर से बिग बॉस 14 शुरू होने वाला है। पहले बिग बॉस 14 सितंबर के महीने में टेलीकास्ट होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से इस शो के टेलीकास्ट को पोस्टपोन करना पड़ा। और अब पक्की खबर आ रही है कि 3 अक्टूबर को शनिवार है और इसी दिन शो लॉन्च होने वाला है और इस दिन ही प्रतिभागियों के नाम सबके सामने आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग सलमान खान एडवांस में कर लेंगे, जिसकी वजह सलमान के दूसरे वर्क कमिटमेंट्स हैं। इसलिए सलमान खान बिग बॉस 14 का प्रीमियर एपिसोड 1 अक्टूबर को फिल्म सिटी में शूट करेंगे। इसके बाद वो अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी राधे की शूटिंग शुरू करेंगे। आमतौर पर प्रीमियर एपिसोड 1 दिन पहले शूट होता है, ताकि कंटेस्टेंट्स की पहचान छुपा कर रखी जा सके, लेकिन इस बार प्रीमियर एपिसोड 2 दिन पहले शूट कर लिया जाएगा। इसके अलावा खबरों की माने तो बिग बॉस सीजन 13 के जरिए सफलता और लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाली शहनाज गिल अब बिग बॉस के अगले सीजन में भी धमाल मचाने को तैयार दिख रही हैं, क्योंकि शहनाज गिल को बतौर स्पेशल गेस्ट शो में बुलाया जा सकता है। और अगर शहनाज एक बार फिर बिग बॉस का हिस्सा बनती हैं, तो TRP का रिकॉर्ड टूटना लाजमी हो जाएगा। इसके अलावा बिग बॉस 14 में बिल्कुल अलग फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जो दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा सकता है। बिग बॉस 14 के प्रसारण में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बिग बॉस के 14 सीजन से जुड़े अपडेट्स लगातार सोशल मीडिया पर रिवील हो रहे हैं। दरअसल बिग बॉस 14 की शुरुआत पहले सितंबर महीने से होने वाली थी, लेकिन मुंबई में हो रही लगातार बारिश के कारण बिग बॉस 14 के सेट को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए शो के टेलीकास्ट डेट को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं इस बार भी सलमान खान ने बिग बॉस को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी है। अब तक सलमान खान ने बिग बॉस के 10 सीजन को होस्ट कर लिया है और हर साल सलमान खान की फीस मेकर्स की तरफ से कई गुना बढ़ा दी जाती है, और इस बार भी सलमान को मोटी रकम अदा की जाएगी। और खबरों की माने तो बिग बॉस 14 के लिए भाईजान को 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो 20.5 करोड़ सलमान को बिग बॉस 14 में हर हफ्ते पे किए जाएंगे। बिग बॉस 13 में सलमान को 12 से 14 करोड़ हर हफ्ता पे किया जाता था, और अब बिग बॉस के 14वें सीजन में ये रकम बढ़ाकर 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बिग बॉस 14 में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को पहले 14 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा, और बिग बॉस 14 में शामिल होने वाले प्रतिभागियों में से अब तक जैस्मिन भसीन, निया शर्मा, पवित्रा पुनिया, निशांत मलकनी, नैना सिंह, जान कुमार सानू, सुगंधा मिश्रा, साक्षी चोपड़ा और सारा गुरपाल के नाम सुनने में आ चुके हैं।